जिला बिलासपुर में पिछले पेंडिंग रिपोर्ट में से 3 मामले पॉजिटिव आए हैं, जिनमें 2 पुरुष और 1 महिला शामिल है। 42 वर्षीय व्यक्ति नागालैंड से 13 जुलाई को आया था तथा जिसे होम क्वारंटाइन किया गया था, जो कि गांव दून तहसील झंडुता का रहने वाला है। जबकि एक अन्य 2 मामले दंपत्ति है, जो 31 वर्षीय व्यक्ति जो कि 13 जुलाई को दिल्ली से आया था, जिसे होम क्वारंटाइन किया गया था, ये गांव कसोल मोरसंगी तहसील घुमारवी का रहने वाला है तथा इसकी पत्नी 27 वर्षीय महिला ये दिल्ली से आई थी, इसे भी होम क्वारंटाइन किया गया था। ये महिला गर्भवती है, जिस कारण इन पति पत्नी को होम क्वारंटाइन किया गया था। वहीं इन्होंने बताया कि अभी तक जिला में कोरोना के 66 मामले हो गए हैं, जिनमें 20 का इलाज चल रहा है और 46 ठीक होकर अपने घरों को जा ही चुके हैं। MOH परविंदर सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि इन तीनों को कोविड आयुर्वेदिक अस्पताल चांदपुर लाया जा रहा है। कल रात हमारे पास जिला बिलासपुर में 3 नए COVID-19 के पॉजिटिव केसेस आए हैं। 18 और 19 तारीख के जो सैंपल्स हमने IGMC शिमला में टेस्टिंग के लिए भेजे थे, उनकी रिपोर्ट देर रात आई, उनमें ये तीनों केसेस आए हैं। लेकिन ये तीनों केस हैं, इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है ये बाहर की है। मतलब ये लोग, दो व्यक्ति ऐसे थे जो दिल्ली से आ रहे थे और एक नागालैंड में थे, और ये नागालैंड से जो आए थे ये झंडूता ब्लॉक के रहने वाले हैं और ये होम क्वारंटाइन में थे, और बाकी दोनों भी होम क्वारंटाइन में थे। जहाँ तक अब हमारे पास टोटल केसेस का सवाल है, तो हमारे पास 66 केस हैं जो अभी टोटल जिला बिलासपुर में डिटेक्ट हुए हैं। इनमें से 20 व्यक्ति अभी भी इलाज जिनका चल रहा है, और वो कोविड केयर सेंटर चांदपुर बिलासपुर में ही एडमिट हैं। बाकी जो 46 लोग हैं, उनमें से 46 के 46 अपने घरों में जा चुके हैं, ज़्यादातर ठीक हो चुके हैं, कुछ एक लोग होम आइसोलेशन में हैं। और कुछ लोगों के लिए में ये दहशत का माहौल या खौफ पैदा हो जाता है कि जब कोई नया मामला आता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जो बाहर से जो लोग आए हैं, उन सबको गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक ही क्वारंटाइन किया जाता है। हमारे पास 20 ऐसे शहर हैं जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने आइडेंटिफाई किए हैं। अगर वो वहाँ से 20 शहरों में से किसी भी जगह से कोई व्यक्ति हिमाचल में या बिलासपुर में आता है, तो उनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन किया जाता है, बाकी जो लोग हैं उनको होम क्वारंटाइन किया जाता है। तो हमारे पास जो 66 केसेज हमारे जो यहाँ पे बिलासपुर में डिटेक्ट हुए हैं, इनमें 65 लोग तो वही हैं जो बाहर के राज्यों से हमारे जिला में आए थे, और एक व्यक्ति जिसके जो बाहर से नहीं आया था लेकिन उसके कांटेक्ट हुआ था उन लोगों से जो दूसरे जिला से लोग आए थे, तो तब पॉजिटिव आया। तो ये मैं बोलना इसलिए चाह रहा हूँ कि लोगों में ये खौफ की स्थिति ना बने, और उनको ये समझ रहनी चाहिए कि जितने भी लोग हैं वो बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्ति हैं, और लोकल ट्रांसमिशन का अभी तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है।